थी जिसमें किसी का डायरेक्ट नाम नहीं था और कोई गाली डायरेक्ट नहीं थी, पर ये ऑलरेडी एक प्री प्लान्ड चीज थी। ठीक है, मतलब बिल्कुल बिल्कुल तसल्ली से इस चीज को समझना, थोड़ा ओपन माइंड करके। आज तक रजत दलाल ने कभी राजवीर सिसोदिया को उल्टा नहीं बोला। सिंगा वाले केस में मैं लाइव लेके आया भाई को, इनका नंबर मेरे फोन में भाई के नाम से सेव है, भाई के नाम से। इन्होंने स्टोरी डाली कुछ भी, उससे पहले इनसे मेरी कोई बातचीत ही नहीं है दूर दूर तक, चलो डाल दी वेल एंड गुड है। इन्होंने उसका एक सीन बनाया दोपहर में कि भाई तूने मेरे को गाली दी है, मिलने आ जा। मुझे लगा मजे ले रहे हैं, मौज मस्ती अपने भाईचारे वाली चीजें। मैंने भी मजे मजे में बोल दिया भेज दो लोकेशन। अड़कार आ रही है मैं, मैं यहां से निकल चुका था अकेले। मैंने नितिन भाई से बोला, मैंने कि यार पता नहीं इनको बातचीत किया, एक बारी बात करो। तो नितिन भाई ने बोला, मैं नाम लेके बोल रहा हूं भाई का, कि भाई आप मत जाओ, कोई इतनी बातचीत नहीं है, खत्म करो। मैंने राजवीर भाई को कम से कम 7 से 8 फोन करें खुद से, उन्होंने फोन नहीं उठाया, कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। अगर आपने मैटर क्लोज करना होता है, कोई गिला शिकवा होता है, मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, वो बात करनी होती है, टोटली डन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद इन्होंने स्टोरीज डाली कि हम आ रहे हैं, फरीदाबाद आ रहे हैं। मैं 2 दिन से सोया नहीं हूं, 2.5 दिन हो गए हम खैर। मैंने कि कोई बात नहीं, मिलके फेट के करेंगे खत्म। मुझे इतना 200% पता था कुछ इशू का प्रॉब्लम का बनेगा ही नहीं, क्योंकि कोई ऐसा अराइज ही नहीं है कहीं। मैंने कोई गाली गलौच नहीं करा, कुछ प्रोवोक नहीं करा, ये एक छोटी सी कह सकते हो प्यारी सी कॉन्स्पिरेसी थी। मेरे पार्ट पे कोई बंदा नहीं आया, मैं कभी किसी को बुलाता ही नहीं इनकी तरफ से, इनके जो भी यारे प्यारे भाई आए ना आज से पहले। मैं वो आदि नागर है ना, जो भी हैं आदि नागर, मैक्स वगैरह जो भी भाई हैं, उन भाइयों से मेरी आज तक हाय हेलो नहीं हुई है कि हां जी कौन हो, कैसे हो, कहां से हो। वो सारे बंदे तक आ गए, ये लोग आए नितिन चंदीला भाई की जिम के बाहर फिटनेस गैराज में। मैं उस टाइम घर पे था, मेरे को लगा यार सीन बढ़ रहा है थोड़ा। मैं बड़े भाई साहब के पास गया स्कूल में, तो मैंने बोला भाई आ जाओ आप लोग यहां पे, डन सीन है। स्कूल का गांव का नाम बोल दिया। 6:30 बजे तक ये लोग आए नहीं। एक रील बना के मैंने इनको भेजी थी कि भाई हम लोग आ रहे हैं, ऑब्वियस सी बात है अंधेरा हो चुका था। मेरे भाई मेरा आपका बैर ही नहीं था, वो आपने सोशल मीडिया पे बैर बनाया। आप अपने साथ कई इन्फ्लुएंसर लाए, आदि नागर, मैक्स फिटनेस जो भी है, जिनको मैं कभी जानता तक नहीं था, जिनको मेरी हाय और हेलो भी नहीं है, और वो आके कहते हैं हम ये कर देंगे वो कर देंगे। सुबह इनमें से एक भाई को फोन करा, वो कहता किसी लेडी के लिए उल्टा बोला है, और ये भाई कहते गाली दी है। गाली कहां दी है और कहां पे आपका नाम है एक बार प्लीज दिखा देते। आपने जो बोला ना कि इसने मेरे को गाली दी है, कहां पे आपका नाम लिखा और कहां पे गाली लिखी वो दिखाओ। चलो ठीक है, आपको जानबूझ के सीन बनाना था, आपके पास स्क्रिप्ट रेडी थी, इट्स वेल एंड गुड। आपने मुझे बुलाया, मैं यहां से निकल गया था अकेला। मैंने नितिन भाई को फोन करा कि भाई पता नहीं क्या सीन है, राजवीर भाई के पता नहीं क्या सीन हो गया है। उन्होंने बोला भाई मत जाओ, कुछ भी सीन नहीं है, ऐसी हो सकता है तफरी कर रहे हो, कुछ भी चीजें हो सकता है, सीन बड़ा हो छोटा हो जो भी है। उनको उस टाइम पता नहीं था, उनको किसी पॉडकास्ट में जाना था, अनूप भाई साहब के यहां। उसके बाद थोड़ी देर बाद जब मैं सोने जा रहा था, मेरे पास अलग अलग जगह से फोन आ गए कि भाई राजवीर भाई का आपका क्या पंगा हो गया, वो फरीदाबाद आ रहे हैं। मुझे लगा मौज मस्ती का कुछ सीन होगा, मैं भी मौज मस्ती लेने लग गया। मैंने कहा आ जाओ। इन्होंने आके फिटनेस गैराज पे आके लोकेशन भेजी, मेरे बड़े भाई साहब थे स्कूल में, तो मैं स्कूल गया। मैंने कि स्कूल में आओ बात करते हैं। 6:30 तक का टाइम था भाई, आप में से कोई नहीं आया। जब उसके बाद हमने इन्हें एक वीडियो भेजी ना बना के, जो कि दिन के टाइम में थी, जो कि मैं अभी डालने वाला हूं, कि हम आपके पास आ रहे हैं। उसमें से इनमें से पता नहीं, मेरे को नहीं पता कौन था, उसने कोई बंदा भेजा जिसने बोला कि मैं इनका साला हूं, मेरी बहन इनके यहां ब्याही हुई है। भाई उस बंदे की हमें बात रखनी पड़ी, इज्जत रखनी पड़ी, हमने बिठाया अंदर लेके गए। उन्होंने हमसे प्रिटेंड कराया कि भाई सॉल्यूशन हो गया है, राजवीर ने अपने पार्ट की सारी रील्स और स्टोरीज हटा दिए। मेरी उनने सामने बैठ के स्टोरीज हटवाई, रील मैंने आर्काइव करी, डिलीट नहीं करी, चलो इट्स वेल एंड गुड। वहां से वो सीन निपटा, उसमें से 5-5 सेकंड की छोटी छोटी क्लिप ली गई हैं। भाई मेरे को आप कोई बंदा भेजते हो भाईचारे के लिए कि भाईचारा बनाएंगे, आपस में लड़ो मत, और जबकि आपका मेरा कभी कलेश ही नहीं हुआ। सबसे मजे की चीज तो ये है, मेरा और इनका कोई कलेश ही नहीं था आज तक। मैंने ना आपको कुछ बोला, ना किसी जाति को, समूह को, ना आपके किसी दोस्त को कभी कुछ बोला। आपने खाली
इंगेजमेंट पाने के लिए कर लीजिए, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं भाई, आपका अकाउंट कितना उठे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप एक छोटी सी चीज बताओ, जो आपने ये चीज करी है कर ली, अगर मैं इस चीज को बढ़ाता हूं, मेरे पीछे से बहुत फोन आ रहे हैं, आपकी और मेरी चीज की वजह से ना ये सामाजिक चीज बन जाएगी, ये सोशल मीडिया सोशल मीडिया नहीं रहेगा, सामाजिक चीज बन जाएगी। हरियाणा में वैसे ही सरकार ऊपर नीचे हुई है, हल्के से किसी के अपने मजे के लिए आप एक कहीं छोटी सी क्लिप दिखा देना कि रजत में धक्का भी लगा हो, जो आप दिखा रहे हो ना, दबा दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, भाईचारे का बंदा भेज के भाई ये चीजें करना बहुत अनएथिकल है। आप आए थे बात करने, विचार करने, जो भी करने, आप सामने बैठते, फेस टू फेस करते, मैन टू मैन बात करते। जब हम मैन टू मैन करने आ रहे हैं तब आप खुद नहीं आ रहे, आप किसी को भेज रहे हो, वो तो गलत चीज है ना भाई। आपने कोई बंदा भेज दिया, उसके बाद आप नितिन भाई का सॉल्यूशन कराने चले गए, ये भाई बहुत गलत चीज है। मेरे को इससे ज्यादा कुछ नहीं बोलना, अगर आप सामने सामने कुछ करते ना तो चलो देखा जाता कि क्या सीन है, पर ये भाई बहुत गलत तरीका था। हाँ, दिमाग यूज करा है नो डाउट, पर मेरे को इसके ऊपर सच में कुछ नहीं कहना, क्योंकि मेरे को ये छोटी चीज लगी कि किसी ने खाली अपने एक फायदे के लिए एक इंसान के ऊपर एक आरोप लगाया, उसको ट्रिगर करके, और जो भी चीज करी कर ली। मेरे भाई आप अपने खुश रहो, मुझे एक रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता, 1 घंटे बाद मेरी लाइफ नॉर्मल हो जाएगी, मैं 2 दिन में और बेटर हो जाऊंगा। आप अपनी लाइफ में मस्त जियो, मस्त खुश रहो, मुझे कोई लेना नहीं, कोई देना नहीं। और अगर आपको कभी कुछ हो ना कि हाँ मुझे बहम मिटाना है, रजत ये है और रजत वो है, तो भाई आप एक बार आ गए हो, आप अगली बार फिर आ जाना, एक स्टोरी डाल देना कि हम कल आ रहे हैं, हम परसों आ रहे हैं, हम तरसों आ रहे हैं। ये चीज राजवीर भाई आपने बहुत गलत करी है, जो कि सच में बिल्कुल सही नहीं है। आप भाईचारा खराब करने वाले काम कर रहे हो, बढ़ाने वाले काम नहीं कर रहे। मैंने कभी आपको नहीं छेड़ा, आपने जानबूझ के प्रिटेंड करवाया कि मैं आपको छेड़ रहा हूं, जिसमें आप काफी हद तक सफल हुए। अब आप अपनी रील बनवाना, मीम बनवाना, अगर कहीं रजत में कुछ हुआ है तो वो डाल के दिखा दो बस, कि हाँ रजत के साथ ये हुआ है। गलत चीज है, बहुत गलत चीज है। अब अपने आप मस्त रहो, अब जाओगे चिकन खाना, मटन खाना, जो खाना वो खाना, अपने खुश रहना। अब आके बोल देना इंस्टाग्राम के बदमाश, भाई हम बदमाशी नहीं करते, और बदमाशी करने पे आएंगे ना तो फिर दिखा भी देंगे बदमाशी होती क्या है। बहुत प्यार से हैं, बहुत सबर से हैं, आपको ये चीज लग रहा है कि मजाक कर रहे हैं, मजाक नहीं कर रहे, और आपको ये लग रहा हो ना चीज खत्म हो गई है, अगर इसे बढ़ाना चाहूं तो मैं कल बहुत बढ़ा सकता हूं, पर आपके मेरे बढ़ाने के चक्कर में ना इस समाज की इतनी बड़ी चीज बन जाएगी ना। जिसमें आप भी पिसोगे और मैं भी पिसूंगा, तो भाई सोच समझ के चीजें करो, बढ़िया रहेगा। और अपने गैल वाले लोगों के साथ मत करो तो बढ़िया रहेगा। आप अपने ख्याल रखो, खुश रहो।